जिस तरह की ये कहानी है, ये आज की कहानी है, सबसे ज़रूरी ये बात कहना चाहूँगी कि ये आज की राजस्थान में बेस कहानी है और महलों की कहानी है, तो बहुत से राज इस महल में छुपे हैं और उन राज के साथ साथ कुछ ऐसी जिंदगियाँ जो इन राज के तले 20 साल से जुड़ी हुई हैं, उन सब को लेकर ये शो बना है। और डेफिनेटली इसमें ख़ास बात ये होने वाली है कि हमारा विश्वलोक वर्ल्ड जो है, जो विश्वलोक जिसमें विश्वकन्याएं होने वाली हैं, जो इस महल पे अपना राज बनाना चाहती हैं, और इनकी एक बहुत पुरानी एक इमोशनल एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कहानी जुड़ी है जिसकी वजह से हम इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे। आपने एक स्किट में बहुत कुछ सुन लिया और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी आज स्टोरी पर। आई थिंक आप शो देखेंगे 3 दिसंबर को, तो आपको काफ़ी सारी इन सब की जो लाइफ है, इन सब की जो पढ़ते हैं इस कहानी में जुड़ी हुई, खुलती हुई नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच। कृपया अमृत सितारा, वेल ये बाकी जो भी हम सारे अपने शोज में किरदार निभाए, इससे ये थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट से भी डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक शो है। एग्जैक्टली, so I'm really really excited for this show to watch everyone to watch ke sab dekhe ki kis tarah se hum isse bana rahe hain aur kis tarah se act kar rahe hain। exactly, kyunki aaj tak jitna bhi hum logon ne kaam kiya hai ye un sabse zyada jaisa ki Sony ne kaha ki sabse zyada alag hai, aur I think जैसे कि मैं बोल सकती हूँ नागिन काफ़ी आ चुके हैं लेकिन विश्वकन्या क्या अभी तक आया concept नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं था। और ये थोड़ा वो डिफरेंट है, ये जिस तरह से विश्वकन्या हम देखते हैं हमारे टेलीविजन में, एग्जैक्टली ये उससे डिफरेंट है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज विश्वकन्याओं की उम्र नहीं बढ़ती, तो ये बेस्ट से बेस्ट, सो वी विल बी यंग फॉरएवर, हमारा काजल रहेगा और यही हमारा मसाला, हम विल बी यंग फॉरएवर, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जब सितारा छोटी है तब भी हम ऐसे, जब वो बड़ी है तब भी हम ऐसे, बताओ ये कोई होता है ऐसे शो में? बच्चों के बच्चे पालेंगे सितारा के। आपके किरदार के बारे में क्या कहते हैं? जी मेरा जो पावर है वो है वाटर, पानी। सो मैं जब अगर मुझे कोई चीज़ से फाइट करनी होगी तो आई कैन यूज़ दैट पावर, और जिस तरह से आप मेरा कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, ये एक ऐसा है जो मतलब आई हैव नेवर डन दिस, और मैंने ऐसा अवतार कभी अपने किसी शो में नहीं पहना है, तो अपने पावर्स को भी और अपने अटायर को भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मेरा जो एलिमेंट है वो अर्थ का है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा अभी कि मैं जब जैसे ही आती हूँ तो अर्थक्वेक आ जाता है, तो मेरा एलिमेंट वो रहेगा। एंड जो मेरा कॉस्ट्यूम है वो मरून कलर का है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था ग्रीन कलर का बनना देते ये लोग कॉस्ट्यूम, बट वो नहीं हो सकता है फॉर सम रीजंस, सो या दिस इज़ माई कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर फायर का कैरेक्टर है, मेरा एलिमेंट मेरा एलिमेंट फायर है, एंड माय कैरेक्टर नेम इज़ सुरीली, एंड आई थिंक परफेक्ट कैरेक्टर है मेरे लिए क्योंकि मैं वैसे भी फायर के जैसी हमेशा भड़की हुई रहती हूँ। माय कैरेक्टर नेम इज़ छबीली, सॉरी मैं वो भूल गई बताना।
कैसी केमिस्ट्री शूट के दौरान? शूट वो तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। शिल्पा मैम ने हमारा नाम ऑलरेडी कर दिया नामकरण चंडालनी। हाँ, चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि हम सेट पे आके एक दूसरे से मिले, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो जब हम एक्चुअली जब हम लुक टेस्ट पे मिले थे तब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को पहले से। टीम जो एक्टर्स की टीम है वो एक्चुअली बहुत अच्छी है और सब एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जैसा कि शिल्पा मैम है, शक्ति सर है, प्रदीप जी हैं, तो ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग सब आपस में एक दूसरे जानते हैं, तो ये मतलब बहुत धमाल होने वाला है। इससे पहले आपने जोधा अकबर में भी काम किया था और हाँ जी, इसमें भी शिकर लगा, तो कितना डिफरेंट है? ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल है और एक फैंटसी है, सो यस द टू कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट, बट बिची मैं दोनों में ही रहूँगी, उसमें भी और इसमें भी। सो हाँ, एंड उसमें ये फ़र्क था कि कॉस्ट्यूम काफ़ी डिफरेंट थे कंपेयर टू दिस, पूरे कवर्ड थे और ये ऑलमोस्ट आधे हैं, तो हाँ, बट आई थिंक नेगेटिव जो ग्रे शेड है वो कुछ हद तक सेम ही रहेगा। वहाँ पर जलाल के लिए मरती थी मैं, यहाँ हम सितारा के लिए मरेंगे। सो नमस्ते, मेरा नाम है लवीना टंडन और आप मुझे जल्द ही कलर्स के शो में देखेंगे सितारा में एज सुरीली, और मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस विश करना चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए और ढेर सारी धमाल कीजिए, एंड आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा, सक्सेसफुल और हेल्दी हो। न्यू ईयर को लेकर आपका नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, मैं फलक नाज और मेरा कैरेक्टर नेम है छबीली, एंड आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ ब्लास्टिंग ईयर एंड खूब सारा अच्छा सा काम करो, खुश रहो। आपका क्या प्लान है न्यू ईयर को लेकर? शूट। मैं हूँ सोनी सिंह और कलर्स के न्यू शो में आप मुझे देख सकते हैं एज अलबेली। अलबेली हो जब भी मैं नाम सुनती हूँ मुझे ये गाना याद आ जाता है। सो मैं आप सबको, मेरे फैंस को, सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ अगर जो इस साल आपने सोचा तो नहीं किया तो प्लीज़ वो आने वाले साल में उसे करें और वर्कआउट करें और खाएं पिए भी, इंजॉय भी करें, अपने सेहत का ख्याल रखें। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मेरा नाम विक्रांत चतुर्वेदी है और इस शो में मैं राजगुरु ज्ञानेंद्र का पाठ कर रहा हूँ। किस तरह का शो है और आपके किरदार को लेकर होगा? देखिए, बेसिकली ये जो शो है ये विश कन्याओं पे बेस्ड है, ये आज का कंटेम्प्रेरी शो है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना कोई फैंटेसी है, आज का शो है, आज के जो रजवाड़े हैं उनको हम दिखा रहे हैं, और उसमें कुछ विश कन्याओं का प्रवेश है जिनको मैंने अपने मंत्रों की ताकत से बंद किया हुआ है, तो इसलिए सारी विश कन्याएँ जो हैं मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि मैं उनका दुश्मन हूँ, और किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, मेरे मैं चाहता हूँ कि एक तरीके से वो राजमहल सुरक्षित रहे और किस तरीके से विश कन्याओं के प्रकोप से बच जाए, और विश कन्याएँ चाहती हैं कि किस तरीके से उस राजभवन पर वो कब्जा करें, क्योंकि उनका एक कहानी, उनका एक इतिहास है जिसमें उनको लगता है कि राजभवन ने उनके साथ अन्याय किया है। टाइम आ गया है अभी विश कन्या नागिन, ऐसे शो पब्लिक क्या पसंद करती है या कैसा? देखिए, देखिए आप भी पब्लिक का हिस्सा, मेरा मतलब है कि आप भी पब्लिक का हिस्सा हैं, मैं भी पब्लिक का हिस्सा हूँ, आप खुद अपने घर में जाके ये देखिए कि कौन से टीवी चैनल्स चल रहे हैं, कौन सी चीज़ों को पब्लिक पसंद कर रही है, उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्या है कि हर चीज़ का एक ट्रेंड आता है, आजकल लोग थोड़ा सा नॉर्मल दुनिया से इतना थक गए हैं, नॉर्मल समस्याओं से, कि वो कुछ ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जहां उनको थोड़ा रिलीज़ मिले, और अगर देखा जाए तो एज इंडियंस हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल पास्ट है, देखा जाए इतने हमारे पुराण हैं जिनमें इतनी कथाएँ हैं, इतनी गाथाएँ हैं, इन अ वे तो सारी फैंटेसी की जोन में आती हैं, लेकिन अगर उसको हम ड्रामेटाइज करके कहीं दिखाते हैं तो ख़ुद में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसको एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि हमारे अपने कल्चर के सारे हिस्से हैं, हमारी मिथ्स हैं, हमारी फोक टेल्स हैं, इनको हम ड्रामेटाइज करके दिखा रहे हैं और पब्लिक इन्जॉय कर रही है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, खैर
जो सीरियल है वो तो आप लोग देखेंगे ही, लेकिन बेसिकली उसके बैकग्राउंड में ये एक टसल तो है, एक पावर स्ट्रगल है मेरी और विश्वकन्याओं के बीच में, क्योंकि विश्वकन्याओं को आप नॉर्मल तरीके से तो टैकल नहीं कर सकते कि किसी को बंदूक से या किसी को तलवार की नोक पे टैकल किया, उसके लिए तो आपको थोड़ी सुपरनैचुरल ताकत ही चाहिए होगी, जो कि मंत्रों की ताकत में होती है, जो कि हमारे पास है, जो कि ख़ास तौर से मेरे पास है। तो इसलिए उनका सारा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन है जो मुझसे होता है, और फिर उन हम दोनों के बीच पावर स्ट्रगल होती रहती है, कभी वो ऊपर कभी मैं ऊपर, इस हिसाब से चलता रहता है। मैं विक्रांत चतुर्वेदी, जो सितारा सीरियल में राजगुरु ज्ञानेंद्र का पार्ट निभा रहा हूँ, आप सबको मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके क्या प्लान है न्यू ईयर्स के लिए? फिलहाल तो प्लान यही है कि मैं काम करूँगा, क्योंकि सीरियल हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल से काम ही करूँगा। 2019 से हर वर्ष की तरह मैं सुख शांति और समृद्धि, इन तीनों की कामना करता हूँ। जी हाँ, सितारा जैसे आप लोग आजकल, आपको जैसे जिस तरह की शो पसंद है देखना, वैसा ही शो है, सुपरनेचुरल एलिमेंट है इसके अंदर विश्वकन्या का, और तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और बहुत कंप्यूटर ग्राफिक्स होंगे, बहुत सारी रहस्य है, बहुत सारे मिस्ट्री, सब कुछ होगा इसके अंदर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो आप देखिए। मेरा किरदार जो है वो इसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर है, आई एम अ वॉरियर और प्रोटेक्टर ऑफ द रॉयल फैमिली, और जो रॉयल फैमिली है वो उन्होंने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं पूरा अपना, गलती मुझसे एक ही होती है कि मैं एक शादी कर लेता हूँ एक लड़की से, जो विश्वकन्या, पता चलता है कि विश्वकन्या है, तो मैं उसे तो मारना चाहता हूँ मैं, जो मेरे मतलब, पर मेरी बेटी उसकी कोख में होती है, शी इज़ प्रेगनेंट विद माई चाइल्ड, तो मैं वो अपनी बच्ची को, जो मेरी बच्ची होती है, मैं उसको, बच्ची को बचाने के लिए उसको, माँ को, विश्वकन्या को कैद कर देता हूँ, और अपनी बेटी को दूर लेके जाके उसकी परवरिश करता हूँ कि उसमें विष ना रहे माँ का। और अब लौटे हम दोबारा से महल में 20 साल के बाद में, तो बस मेरा डर यही है कि वो उसमें अमृत, जिस परवरिश से मैंने उसमें अमृत रखा है, वो अमृत ज़्यादा रहे उसके अंदर, विष कम रहे, और पर अभी लौटे हैं तो पता चलेगा क्या उस पर विष ज़्यादा है कि अमृत। मेरी केमिस्ट्री विद माय वाइफ की, विद माय डॉटर, ऑफ कोर्स शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अदा, और उनके, हमारा किरदार बहुत ही बाप बेटी का बहुत ज़्यादा प्यार है इसके अंदर दिखाया है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसा, ऐसा ऐसा जिसमें थोड़ा ऐसा बाप बेटी का प्यार के, यू नो, बड़ा बहुत बहुत, तो हमारे बड़े अच्छे सीन्स हैं, बड़े बहुत ही क्यूट सीन्स हैं, बड़ा अच्छा आपको देख के अच्छा लगेगा। सेट पे बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, कुछ लोगों के साथ काम किया हुआ है मैंने, शक्ति आनंद हैं जो राजा बने हुए हैं इसके अंदर, वो एक शो में मेरे पिता रह चुके हैं जबकि हम उम्र ही हैं, शिल्पा सकलानी हैं, उनके साथ में मैं काम कर चुका हूँ, जो विश्वकन्या बनी है वो पहले मेरी बीवी रह चुकी हैं एक शो के अंदर, तो काफ़ी लोगों के साथ में काम किया हुआ है, काफ़ी लोग नए हैं, बहुत ही पॉजिटिव एटमोसफियर है, और शो ऐसा है कि थोड़ा हमको भी थोड़ा बच्चा बनना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि हर रोज़ क्या सीन आते हैं, क्या करना पड़ता है हमको, तो बहुत ही जॉय, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ हम काम कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। सर देखिए, जो आपको पसंद आ रहा है वो हम परोस रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वो देखना, तो हमको कुछ भी तकलीफ नहीं है वैसे शोज़ बनाने में, और आप देखिए अच्छे से, हम ऐसे शोज़ बनाएंगे, आप देखिए, आपको देखने में बिल्कुल भी वो नहीं फील होना चाहिए कि हम क्यों देख रहे हैं ऐसे शो, क्योंकि हमको बनाने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, और मेहनत बहुत लग रही है हमारी, तो आप भी मज़े से देखिए, जैसा ट्रेंड होता है वैसे शोज़ बनते हैं, पहले सास बहू वगैरह बनते थे, रोमांस वगैरह चलता था, आजकल ये चल रहा है, तो ये देखने दो, लोगों का टेस्ट बदलता रहेगा, हम शोज़ बदलते रहेंगे, आपको कुछ और अच्छा लगेगा आपको तो कुछ और बनाएंगे, फिलहाल ये अच्छा लग रहा है तो आप ये देखिए। हेलो, मैं हूँ संदीप बसवाना, सितारा का कुलदीप, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर को लेकर आपकी क्या प्लान्स? न्यू ईयर को लेकर हमारा प्लान है, थोड़ी छुट्टी हमने दी है प्रोड्यूसर को, देखो अगर वो छुट्टी मिल गई तो हम बाहर घूमने जाएंगे 5-7 दिन के लिए, पर लेट्स सी छुट्टी मंजूर होती है कि नहीं। नहीं नहीं, बहुत सारी लाइन अभी, मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो अभी तक मैंने नहीं एक्सप्लोर किए, बट हाँ आज बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत समय से इस किरदार को लेके या इस कहानी को लेके हम मेहनत कर रहे थे और आज हम उसे आज आप सबके सामने ला पाए। टाइटल की बात करें,
एक प्रोड्यूसर से बड़ा अच्छा कौन बता सकते हैं, टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं टाइटल जो आप सितारा जो आपने शो का नाम देखा है, इसकी अपनी एक कहानी है जो मैं अभी तो आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सितारा नाम से पूरा हमारा एक कहानी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जुड़ा है। बट डेफिनेटली सितारा जो हमने नाम रखा है वो किरदार के साथ साथ उसकी जो उससे जुड़ी हुई जो उसकी माँ और उसकी मौसियाँ हैं जो जो उसे उसकी कहानी में जो इन्वॉल्व है विश्वकन्या की, उसे इस नाम का बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं सितारा इन सबको कंप्लीट करती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम हमारे लिए रहा है। देखिए, हमने इसे कोई मेरे लिए कोई सच्ची घटना नहीं है, ये हम कहते हैं ना बचपन से हम कहानियाँ सुनते आते हैं, इस किरदार को देखते आते हैं, जानते हैं, सुनना कहीं कहानियों में पढ़ा है, नानी दादी के मुंह से सुना है, तो कोई रियल कहानी नहीं है मेरे लिए, ये हमारी लोक कथाओं में किरदार हमारा ये रहा है हमेशा। तो कोशिश की है एक माँ और बेटी की एक बड़ी खूबसूरत इमोशनल एक ड्रामेटिक कहानी बना पाएँ। क्या नागिन सांप ये सब दोबारा लौट कर आ गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, लौट के मतलब आज से 3.5 साल पहले हम खुद बना रहे थे सिमर में, बहुत हमने कुछ 7-8 महीने उसको हमने एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे किरदार जो सुपरनेचुरल में आप बोल रहे हैं डायन या ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिन्हें हमने एक्सप्लोर किया, उसके बाद एक फेज था जब मुझे लगा कि हम दूसरे तरह के शो करें, और अब जब एक सामने से एक उन्हें रिक्वायरमेंट लगी और चैनल को लगा कि हम कुछ इस तरह का जोन एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मेरे पास ये कहानी थी जो उन्हें सुनाई, उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो आई थिंक इस पर कोई कमेंट ऐसा, मतलब मैं पॉजिटिव ही हूँ उस चीज़ को लेके, क्या लोगों को एंटरटेन करता है, लोग इसे एक्साइटेड होके देखते हैं, तो आई थिंक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैम, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, नागिन एक बड़ा शो आ रहा है इसी चैनल पर, तो आपको लगता है कुछ कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि नागिन की TRP हाई है सबसे ज़्यादा, तो आपको लगता है कुछ कॉम्पिटिशन होगा दोनों के बीच में? देखिए, हमारा डेली सोप है, मंडे टू फ्राइडे है, और हमारी कहानी अलग है, वो कहानी अपने आप में अलग है, तो कंपैरिजन जहाँ तक बात है लोग हर शो का करते हैं, हमें जहाँ तक हमारी, मैं अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हमने एक बड़ा ही ऑनेस्ट एक एफर्ट लगाया है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये अभी तक बहुत कहते हैं ना शो पर से कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और हमने काफ़ी हद तक कहानी पे जिस तरह से इस पे समय यू नो स्पेंड किया है, जिस तरह से इसके ये किरदारों पे काम किया है, आई थिंक वो शायद अपने आप एक यू नो लोगों को थोड़ा बहुत, या मैं कहूँगी होपफुली लोगों को एक्साइट करेगा। मैं हम रश्मि शर्मा, और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आपके क्या प्लान है न्यू ईयर को लेकर? अभी तक तो कुछ नहीं है, लेट्स सी, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, अभी तो शो लॉन्च है तो आई डोंट नो कितना हम टाइम निकाल पाएंगे। 2019 से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? अगेन बहुत सारे चैलेंजेस, और अच्छे शोज पे काम करूं, अच्छे शोज बनाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच। नागिन अलग होते हैं और विश्वकन्या अलग होती है, एंड नागिन के बाद विश्वकन्या करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड लोग इंजॉय कर रहे हैं सुपरनैचुरल शोज़, एंड कमिंग बैक इन अ सुपरनैचुरल फैंटेसी अच्छी बात है, बिकॉज आजकल लोग वही पसंद कर रहे हैं, एंड एज एन एक्टर आई रियली वांट टू एंटरटेन एवरीवन, एंड ये मौका मिला है वो करने का जो लोग पसंद कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट। सितारा आज की लड़की है, बहुत सिंपल है, बहुत बबली है, एजुकेटेड, स्टाइलिश, एवरीथिंग शी इज़, बट एज अ विश्वकन्या शी इज़ वेरी डिफरेंट, और एक क्यूरियोसिटी हमेशा शो में रहेगी कि ये विश होगी या अमृत होगी, सो अगर वो मॉम के साथ मॉम को सपोर्ट करती है तो वो डिस्ट्रॉयर होगी, अगर पापा के साथ है तो वो प्रोटेक्टर होगी, सो अपने पावर्स का वो किस तरह से इस्तेमाल करेगी वो एक क्यूरियोसिटी हमेशा शो में रहेगी। आप एक विश करने आए तो इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं, इस शो में फ़िलहाल अभी मुझे नहीं पता कि मैं विश्वकन्या हूँ और मुझ में क्या पावर्स है, आई थिंक वो बाद में शो में रिवील होगा कि दैट्स मच लेटर, बट एज ऑफ नाउ आई हैव नो आइडिया बिकॉज द फादर हैज़ ऑलवेज केप्ट मी प्रोटेक्टेड। अच्छा, लॉन्च में तो वैसे हम बहुत सादगी वाले सितारा को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों को आगे चल के आपका एक और रूप देखने मिलेगा जो कहीं ना कहीं नागिन से भी रिलेटेबल है, पोस्टर की बात करूँ तो कैसे होने वाली है सितारा? विश का साइड कैसा होगा और अमृत का साइड कैसा होगा? सी, लुक बहुत अलग होगा बिकॉज एज यू कैन सी सितारा का जो नॉर्मल है वो सिंपल लुक है विथ लॉट ऑफ बांधनीज एंड एवरीथिंग, बट जो विश्वकन्या रूप होगा वो थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा सा ग्लैम होगा, यू नो थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न जैसे आप देख सकते हो, इट्स गोना बी अ लिटिल डिफरेंट विद द सितारा टैटू, तो वो बहुत अलग होगा, सो आई लाइक यू नो कि लोग अलग एक ही शो में आपको अलग रूप में देखे, अलग
किरदार निभाते हुए देखे, सो वो एक चीज अच्छी लगती है एंड आई रियली एंजॉय दैट। अगर आपके एक्स को स्टार करणवीर बिग बॉस हाउस में है जी, क्या करेंगे, देख रही हैं? नो क्वेश्चन ऑन बिग बॉस, सपोर्ट नो क्वेश्चन, नो ओनली सितारा, इफ शी वांट्स, शी डजंट वांट टू, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर, इट्स ओनली सितारा। ओके ठीक है, लास्टली अ विश फॉर योर फैंस, क्या कहना चाहेंगी, क्यों देखें शो, क्या नया है? मैं सबको यही कहूँगी कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं यही चाहूँगी कि लोग ने मुझे हर शो के लिए बहुत प्यार दिया है, एक्सेप्ट किया है मुझे अपने हर किरदार में, सो मैं यही चाहूँगी कि एज सितारा ऑल्सो पीपल शुड वॉच द शो एंड लव द कैरेक्टर एंड गिव मी ऑल द ब्लेसिंग्स बिकॉज आई डेफिनेटली नीड इट। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी कि कलर्स पे नया शो आ रहा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत विश्वकन्याएँ हैं, बहुत हैंडसम राजाज हैं, राजगुरुज हैं, मैं हूँ, सो प्लीज़ वॉच इट बिकॉज आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। शिल्पा, वन रीज़न व्हाई यू चोज़ दिस शो? आई चोज़ दिस शो बिकॉज हाँ जी, मैंने ये शो इसलिए चूज़ किया बिकॉज after having worked for so many years I wanted to do something different, ye genre maine kabhi nahi kiya tha, so I was very clear I wanted to come back with a negative and not a regular show, so this was like a double whammy for me where this was a different genre that I'd never done and a negative role, so the minute I was taken through the entire story by my team I just lapkoed them, I said I am going to do this. All right. And Shilpa, if you can just tell us something about your character. You know, my character is a very multi-dimensional character because she's an ageless Vishkanya who is blessed with everything, beauty, brains, powers, and there is a history that dates back for Vishkanyas. And while having all of that, she gives birth to a baby girl and the baby is taken away from her. So how from being having all of these powers, she is craving her child, she's angry, she's sad, she's upset, and how the story moves forward with her having all of these emotions and wanting to come back for a revenge. How was your chemistry with Ada? Ada has done Nagin, so Ji. How was your chemistry with her? She's going to be fabulous, yeah, because she's been a part of a genre like this. So I think all of us will actually get to learn something from her because when you've done something for a year or two, ab daily soap mein hum maarati hai, but is genre mein she is somebody who is not just been a part of it, she's done a fabulous job. So I'm sure all of us are going to have a lot to learn from her. Shilpa, you look drop dead gorgeous. Okay? Thank you. Tell us something about your look. I mean, it's quite different from the previous shows you have done. Yes. My look is, you know, we didn't want to go in for the typical. Boom, thoda niche kar raha. Boom chahiye mujhe. Boom chahiye mujhe. Vishkanya ke usme references jab the, so they were a little different. But we categorically wanted to go for a look that was beautiful and oomphy and sexy at the same time, not be controversial. So I think this is a fabulously done look. So it is looking a bit heavy or something. This is the last question, right? Not at all. Yeah, this is all very light. It's very light. I would like to just share with all the people who are watching this that my channel, my producer Colors and my producer put in a lot of hard work putting the show together. So watch it because we're really trying to do something different here, and I'm guaranteeing you guys are going to love what we come up with. So please watch the show and give us all your love and your blessings because we really need it. Shilpa, just the last question. Any message to your fans who are going to watch your show, Sitara? Like I said, blessings, प्यार तो आप सबका हमेशा रहा ही है, लेकिन इतना अलग शो लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि आपके आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत है. सो ऑल द आंटीज देयर हु वॉच समथिंग एट 10:30, आंटी पिक योर रिमोट एंड फ्रॉम 3rd of December क्विकली ट्यून इन टू कलर्स एट 10:30 एंड वॉच इट एंड मेक योर डॉटर एंड सन एंड योर हस्बैंड एंड एवरीबडी वॉच द शो. सो आई होप टू सी ऑल ऑन 3rd of December
10:30 PM. All right, Shilpa, thank you so much. Thank you. नमस्ते, मेरे शिल्पा अग्निहोत्री की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मे यू हैव अ फैबुलस, फैंटास्टिक, अमेजिंग 2019.